इंग्लिश ग्रामर में अगर आपके सेंटेंस के लास्ट में है, एक वचन के लिए है, जब ये बिंदी लग जाती है तो प्लूरल के लिए साउंड करता है, हो या हूँ आता है, तो हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, इस है के लिए एक वचन है, इसका यूज करेंगे, इस है के लिए हम आर का यूज करेंगे, हो के लिए हम आर का यूज करेंगे, और अगर हूँ है तो हम एम का यूज करेंगे। ये नियम है प्रेजेंट टेंसेस के, जो वर्तमान में बात करते हैं, जैसे मैं खेल रहा हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, ये दो तरह के सेंटेंसेस हम यहाँ पर सीखेंगे जो है हो हूँ से रिलेटेड है। पहला सेंटेंस हमारा है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, अब यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ। दूसरा सेंटेंस है, वह खेल रहा है। तीसरा सेंटेंस है हमारा, जैसे हम किसी का नाम भी ले सकते हैं या हम प्लूरल में बनाए, जैसे वे पढ़ रहे हैं, अब ये वाला है नहीं, ये बिंदी वाला है लग जाएगा, है। यहां मैं पढ़ रहा हूं, आई के साथ हमेशा क्या यूज होता है, एम यूज होगा, ये एम किसी के और के साथ यूज नहीं होता, सिर्फ आई के साथ यूज होता है, जो आई है ये मैं के लिए यूज किया जाता है। तो आई एम, एम अब रहा है, आ रहा है आपके सेंटेंस में, इसका मतलब है ये जो वर्ब है, ये क्रिया है पढ़ना, इसमें हमें आई एन जी लगाना है। तो पढ़ना क्या होता है, रीड, इंग्लिश में हम पढ़ने को बोलते हैं रीड, और आई एन जी जब हम ऐड कर देंगे तो ये रीडिंग बन जाएगा, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, वह के लिए यूज करेंगे ही का, ही के साथ क्या यूज, ये वाला है तो हमें इसका यूज करना है, ही इज। क्रिया क्या है हमारी, इसमें वर्ब क्या है, खेलना, ही इज प्ले, ये हमारी क्रिया होगी प्ले, खेलना के लिए आएगी, पर हमें जब रहा है आ रहा है तो आई एन जी हमें ऐड करनी ही है, ही इज प्ले इन, ही इज प्ले इन। इस रहा के लिए मोस्टली जो यूज की जाती है, आई एन जी ही यूज की जाती है। कुछ स्पेसिफिक सेंटेंसेज है जहाँ पर हम अलग तरीके से बना लेते हैं, वो भी स्पोकन इंग्लिश में, अदरवाइज ग्रामर का रूल यही है, ही इज प्लेइंग, वे पढ़ रहे हैं, वे के लिए हम यूज करते हैं दे। अब ये है कौन सा है, ये वाला, तो क्या यूज करेंगे, आर, दे आर, पढ़ना क्या, रीड, कोई भी क्रिया होगी उसमें आई एन जी एड हो जाएगा, दे आर रीडिंग। ये तो हमारे फर्स्ट टाइप वाले सेंटेंसेस हो गए। अब दूसरा क्या टाइप होता है हमारा, जैसे मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ, अब मैं के लिए जैसे हमने यूज करा आई, आई के साथ क्या यूज करते हैं, हूँ है, एम का यूज करेंगे, आई एम, एक के लिए ए। अब एक सीधी सी रूल होता है, बेसिक सा रूल होता है कि यहाँ पर जो है वर्ब नहीं है, क्रिया नहीं है, तो क्रिया नहीं है, रहा रहा है, रहा है, रही भी नहीं है, पहचान क्या है कि ये वर्ब तो यहाँ है ही नहीं, मैं एक विद्यार्थी, सीधा सीधा कह दिया गया, कोई क्रिया नहीं है, या रहा है, रही है, नहीं है, तो हमें सिंपल एम का यूज तो करेंगे, पर हम आई एन जी का यूज यहाँ पर नहीं करेंगे, क्रिया है ही नहीं और आई एन जी का यूज भी हम नहीं करेंगे। आई एम अ स्टूडेंट, ये सिंपल बनेगा, यहाँ कोई आई एन जी या वर्ब नहीं है। पहली बार सेंटेंस में रहा, रहे, रही का यूज हो ही नहीं रहा, तो आई एन जी का यूज नहीं होगा। दूसरा, क्रिया यहाँ पर कोई नहीं, एक सिर्फ अपने आप को बता रहा है कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तब पढ़ रहा हूँ क्रिया आ रही है, रहा है वर्ड आ रहा है, तो हम आई एन जी का यूज करेंगे, अदरवाइज सिंपल सा जो है, मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम ए स्टूडेंट। जैसे तुम अमीर हो, अमीर होना कोई क्रिया नहीं है, ये क्वालिटी हो सकती है, गुण में आएगा, एक एडजेक्टिव हो सकता है, सिंपल सा, तुम अमीर हो कि तुम्हारी खासियत है भाई,
तुम अमीर हो, तो कोई क्रिया नहीं है, कोई काम नहीं है अमीर होना, तो सिंपल यू हम यूज करेंगे तुम के लिए। हमने यहाँ जैसे यू के लिए तुम, यू आर, हो के लिए क्या यूज करते हैं हम आर का, यू आर रिच, यू आर रिच। नेक्स्ट सेंटेंस हम इससे बना दें, वे खिलाड़ी हैं, वे खिलाड़ी, एक मीन्स प्लूरल की बात कर रहे हैं, ये हैं, और इस है में, इस है में और इस है में अंतर होता है, ये प्लूरल के लिए हो गया, बहुवचन के लिए, तो वे खिलाड़ी हैं, वे के लिए यूज करेंगे, दे आर क्या है खिलाड़ी, खिलाड़ी के लिए क्या आता है प्लेयर, तो प्लूरल है एस और लग जाएगा, दे आर प्लेयर, वे खिलाड़ी हैं, दे आर प्लेयर्स, और वे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। जैसे यहाँ पर हम कर दें कि वह, मैं बोली इसी सेंटेंस को, वह खिलाड़ी है तो ही इज प्लेयर, और वह खेल रहा है ही इज प्लेइंग, अंतर इतना है यहाँ वर्ब है, क्रिया दी गई है या क्रिया नहीं है, सिंपल बेसिक सा रूल है, बहुत जरूरी होता है हमें आगे फॉलो करने के लिए इंग्लिश ग्रामर को, छोटी छोटी चीज़ों से हम इजीली जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। सिंपल बात, जहाँ पर क्रिया होगी वहाँ पर जो है इज आर एम प्लस वर्ब में आई एन जी एड होगा, वर्ब की फॉर्म में आई एन जी एड होगा, और जहाँ क्रिया नहीं है वहाँ सिंपल जो है इज आर एम यूज हो जाएगी, जहाँ कोई काम नहीं है कुछ नहीं है, सीधा सीधा मैं खिलाड़ी हूँ, मैं अध्यापक हूँ, मैं कुछ भी हो सकता हूँ, कोई भी अपने हूँ, यहाँ पर आप काम नहीं अपने बारे में बता रहे हैं, किसी के बारे में सिर्फ सिंपल सा बता रहे हैं कि वो क्या है या मैं क्या हूँ, मेज कैसी है, मेज अच्छी है, मेज इज गुड, ऐसे बोल सकते हैं। काम तो क्रिया तो कोई मेज करेगी नहीं, अदरवाइज मेज से रिलेटेड, क्रिया से रिलेटेड अगर कहीं भी कोई काम आ रहा है किसी भी सब्जेक्ट के साथ, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, तब आपको क्या यूज करना है आई एन जी यूज होगी इस आर एम के साथ, अदरवाइज सिंपल वे खिलाड़ी है दे आर प्लेयर, वह खिलाड़ी है ही इज प्लेयर, वह लड़की है शी इज अ गर्ल, मैं खेल रहा हूँ आई एम प्लेइंग, मैं गा रहा हूँ आई एम सिंगिंग, वे गा रहे हैं दे आर सिंगिंग, वो नाच रही है शी इज डांसिंग, तुम नहा रहे हो यू आर बाथिंग। तो सिंपल जहाँ पर आई एन वर्ब होगी, कोई काम होगा, नहाना सोना जागना खाना पीना, वहाँ पर हम वर्ब में आई एन जी एड करेंगे। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है, देखने में सिंपल लगता है और है भी सिंपल ही, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है, तो यहाँ पर बहुत सिंपल तरीका, इससे कुछ इसमें हार्ड नहीं है, ना ज़्यादा आपको डीप सोचने की जरूरत है, क्रिया का अंतर देखना है और रहा रही वर्ड आ ही रहता है, इसको आपको देखना है, सिंपल सा है।